एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप क्या बहुत बढ़िया। हाथ के दिखाते हो। तो गाइस, ये रही मेरी शर्ट, प्यारी सी, फुल बाजू की नहीं है, एंकल लेंथ है, सही है बहुत ज़्यादा। मतलब ये ना एकदम कॉटन का है, इसमें ना गर्मी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगी, देख सकते हैं ना ये। तो गाइस, अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं कट कर रही हूँ प्याज, देख सकते हैं ना इतना सारा प्याज कट रही हूँ, क्योंकि अभी शाम को बनाया है फिर मटन, तो इसलिए और इतना ज़्यादा आँख में जलन हो गई है प्याज से। तो ये सबसे पहले, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप क्या बहुत बढ़िया हो गए। तो गाइस, काफ़ी दिनों बाद मेरा न्यू ब्लॉग आ रहा है और मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ, यानी कि जो मेरा बुखार खांसी जुकाम था ना, वो ठीक हो गया है पूरी तरह से। पूरा मुझे 20-25 दिन लगा मुझे ठीक होने में, अब जाके एकदम से सही है। अगर जो मेरी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती ना, तो फिर तो एक हफ्ते में ही ठीक हो जाता, लेकिन प्रेगनेंसी थी ना, इसके वजह से थोड़ा सा टाइम लगा मुझे ठीक होने में, क्योंकि ना प्रेगनेंसी में फिर हार्ड दवाइयाँ भी मैं नहीं ले सकती थी। और आज आदित्य स्कूल नहीं गया है, ये रहा, देख सकते हैं क्या कर रहा है। हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं कैसे हो, आप कह रहा ठीक हो। तो गाइस, आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी, यानी मेरी शादी का आज मतलब पांचवा साल मतलब लग गया, यानी कि मतलब 4 साल मेरा पूरा हो गया, 5वां साल लगा, और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। आज मेरी एनिवर्सरी है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि 8वां मंथ चल रहा है, और ये देख सकते हैं ना कि फिर ये सब ऐसे फिर कैसे बाहर भी नहीं जा सकती मैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि 8वां मंथ में आप जितना ही घर पे रहो उतना ही ज़्यादा सही है, तो फिर ज़्यादा बाहर अगर जाना सही नहीं है मेरे लिए, तो बस इसलिए। और जानते हैं, जितने भी मेरे कपड़े थे ना, सारे फिटिंग हो रहे हैं, मतलब एक भी कपड़े हो नहीं रहे, और इसकी वजह से फिर मुझे और भी नहीं जाना पड़ रहा, नए कपड़े मैं ले नहीं सकती, क्योंकि 8वें मंथ में नए कपड़े पहनना नहीं चाहिए, तो इस वजह से फिर मुझे यही सारी दिक्कतें हैं। तो फिर उन्होंने सोचा चलो क्यों नहीं घर पे ही सेलिब्रेट किया जाए, तो बस घर पे छोटी मोटी रूम वगैरह सजाएंगे, बैलून्स वगैरह मैं ला के रख दी थी, तो और पहनूंगी मैं ये वाले कपड़े, तो ज़्यादा नहीं, ये वाली जो टी शर्ट है ना, ये जो हमेशा से पहनते आ रही है, ये टी शर्ट मुझे होगी, क्योंकि और सारे ये, क्योंकि ये टी शर्ट है ना, ये थोड़ी सी लूज़ है, तो ये अच्छे से आ जाइए पेट पे ना, अड़ेगी नहीं। और ये सारे बैलून्स मिला के यहाँ पे रख दिया है मैंने, हार्ट शेप का बैलून्स लिया है, ये सारी चीज़ें भी मुझे सजाना है। और इधर इसको देखिए, ये क्या बना है बाबू, क्या बना है, क्या बना है? तो बस इसको जाना है डॉक्टर के पास दिखाने, क्योंकि इसको ना बहुत दिन से ना खांसी वगैरह आ रही है, और खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो फिर इसको सबसे पहले इसे दिखाना ज़रूरी है। तो अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं, तो अभी 12 बजे से निकलेंगे डॉक्टर के पास और दिखा के आएंगे, और उसके बाद से जो भी होगा बैलून्स वगैरह सजाएंगे। तो मैं ये सोच रही हूँ ना कि जो मेरे बैलून्स है ना, मैं लेकर तो आ गई, लेकिन लगाएगा कौन, क्योंकि भाई मैं एक भी फुलाऊँगी ना तो मेरी सांसें चढ़ने लगेंगी, ये कह रहा है मैं फुलाऊँगा, लेकिन देखते हैं जैसा होगा थोड़ा बहुत ही लगाएंगे, बट इसके लिए, इसकी खुशी के लिए लगाना पड़ रहा है मुझे। बहुत बड़ा फुला देगा, बस इसी की खुशी के लिए मुझे बैलून्स लगाने पड़ रहे हैं, वरना फिर तो हम ऐसे ही मना लेते हैं। और केक का भी मैंने ऑर्डर दे दिया है, तो मैं ये सोच रही हूँ ना कि मैं 12 बजे निकलूँ और उधर से ही आदित्य को भी दिखा लूँ, अपना केक भी लेकर आ जाऊँ, क्योंकि फिर शाम हो जाएगी ना, फिर शाम को फिर भागा दौड़ी अच्छी नहीं लगती है। तो बस चलिए दिखाते हैं, जैसे जैसे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। शाम का टाइम और मैं कट कर रही हूँ प्याज, जैसे कर रही इतना सारा प्याज कट रही, क्योंकि ना अभी शाम को बन रहा है मटन, तो इसलिए और इतना ज़्यादा आँख में जलन हो गई है प्याज से। तो सबसे पहले ना इसमें सबसे मीडियम ने गलती ये कर दी ना, इसको काट के पहले पानी मुझे डालना चाहिए, उसके बाद से फिर कट करना चाहिए, मैंने डायरेक्टली काटना स्टार्ट किया, इसके वजह से आँखें जलन हो गई। और थोड़ा बहुत मैंने अपने रूम को डेकोरेट किया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं किया है, क्योंकि ना बैलून्स जो थे ना वो मेरे को ही फुलाने थे और फूल नहीं रहा था बिल्कुल, पेट में से इतना ज़्यादा पेट में ना सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो बस थोड़ा सा बेटे अपने बेटे का बस दिल रखने के लिए हल्का सा मैंने डेकोरेशन कर दिया, देख सकते हैं, तो बस अच्छा लग रहा है। तो बस अभी ना केक भी लाने जाना है मुझे, क्योंकि क्या होना, मैंने सोचा ना कि आदित्य को दिखा लेते हैं और वहीं से फिर हम आराम से
केक भी ले आएंगे, लेकिन केक ना अभी हमारा बना ही नहीं था तो थोड़ा सा लेट हो गया, तो फिर सोचा चलो अभी जाएंगे 6 बजे करीब में और केक वगैरह लेकर आएंगे। किटो ऐसे नहीं करो, इसे सही करो। तो केक वगैरह लेकर आएंगे और रेडी वेडी होंगे, तो बस थोड़ा बहुत ही रेडी वेडी होंगे। तो प्याज मेरा कट गया, आप चलते हैं फटाफट से चावल चढ़ा देते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है 5:30 और ज़्यादा कोई नहीं आ रहा, बस एक दो लोगों को भी मैंने बोला है खाने के लिए, तो फटाफट से तैयारी वारी कर लेते हैं ताकि टाइमली सबको खाना मिल जाए और हम भी रेडी हो सके और थोड़ा सा सेलिब्रेट भी कर सकें। तो चलिए देख सकते। अरे वाह अरे वाह। तो गाइस अभी मैं दोबारा से आ गई हूँ अपने किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव, क्योंकि पुलाव बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि अभी मटन आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि कुकर बड़ा एक ही है मेरे पास। तो फिर मैंने सोचा ना उससे पहले मैं पुलाव बना लेती हूँ और उसके बाद बना के ना उसे रख दूँगी हॉट पॉट में ताकि वो गर्म रहेगा, कम से कम 4-5 घंटे तो उसमें गर्म रहेगा ही रहेगा। तो ये रहे मेरे चावल, तो चावल को वॉश कर लेती हूँ। और आजकल ना मेरा ट्राइपॉड टूट गया है तो बस ना हाथ से ही सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा है, कैमरे को पकड़ना पड़ रहा है। तो चावल को पहले अच्छे से धो लेते हैं, उसको 10 मिनट के लिए ना भिगो के रख देंगे, बस ज़्यादा नहीं भिगोएंगे। और ना पुलाव में मैं कुछ ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस जीरा घी और थोड़ा सा तेजपात का और इलायची का तड़ा के दूँगी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना मैं बिल्कुल नहीं डालूँगी क्योंकि ज़्यादा ना हैवी हो जाएगा। और तो बस पुलाव बन जाएगा ना, उसके बाद से इन्होंने बोला कि मैं बाहर से जो नान वगैरह होता है ना रोटियाँ वो मैं लेकर आऊँगा। तो मैंने सोचा चल रोटी तो नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि रोटी वगैरह ना मुझसे खड़ा होकर ज़्यादा देर तक ना बन नहीं पाती है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 लोग ही हैं, दो तीन लोग को ही मैं इन्वाइट किया है उन्होंने खाने पर। तो बस जैसे मेरी राइस और मटन बन के रेडी हो जाएगा, मतलब मटन बनना ही वाला रहेगा मतलब फटाक से। तो गाइज़ अभी मैं आ गई थी केक के दुकान पे, फटाफट से मैंने यहाँ से केक ले लिया है और ये रहा मेरा प्यारा सा केक। अभी इस पर अंकल जी नाम लिख रहे थे मेरा और इनका, उसके बाद से फटाफट से मैं लेके चली। हे गाइज़ गुड मॉर्निंग। तो गाइज़ कल का जो ब्लॉग है ना मैं उसे अभी कंटिन्यू कर रही हूँ और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और बेबी स्कूल चला गया है, उसे अभी अभी जस्ट स्कूल छोड़ के मैं आ रही हूँ और हस्बैंड जी भी आज सुबह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गए, इसकी वजह से ना फिर मुझे ही आज आदित्य को ना मुझे ही स्कूल छोड़ना पड़ा। अभी नहाना वाना कुछ भी नहीं हुआ मेरा, बस मैंने ब्रश करके थोड़ी सी चाय पी है और नाश्ता वगैरह भी मैंने नहीं किया क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ना पेट में ना गैस वगैरह सा लग रहा है, तो उसकी वजह से ना नाश्ता करने का भी मन नहीं कर रहा था ना मेरी। थोड़ी सी दोबारा चाय बना रही हूँ, उससे तो थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, उसके बाद से फिर लंच वगैरह की जो भी तैयारी है ना वो करेंगे। तो बस इधर शाम की सब्जी कटने की तैयारी हो रही है, तो शाम को मैं बनाऊंगी आज आलू और गोभी की सब्जी और बनेगी चावल, क्योंकि ना मैं क्या करती हूँ ना मेरे पास अब टाइम होता है ना तो मैं सुबह में ही सब्जी वगैरह कट करके रख लेती हूँ, शाम को बस फटाफट से बनाना होता है क्योंकि सब्जी काटने में कम से कम मैक्सिमम 1/2 घंटे या फिर 20 मिनट तो लगने ही लगने हैं। तो उससे अच्छा है कि आप अगर फ्री हो तो सुबह में ही कट करके अपना रख लो। और एनिवर्सरी की जो ब्लॉग वीडियो थी ना मैंने इतनी मेहनत की थी, बैलून्स लगाए थे, सब कुछ किया था और एनिवर्सरी जो वीडियो में शूट किया ना वो मेरी मतलब बेटे ने ना डिलीट कर दिया, मतलब गलती से बच्चा है वो उससे डिलीट हो गया। बहुत ज़्यादा मुझे मतलब वो ऐसा नहीं कि सेव भी नहीं हो पाया था और अच्छे से पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, तो फिर अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। चलिए कोई नहीं, और अभी 8वां मंथ में मेरा 20 दिन चले गए हैं और बस 10 दिन और बचे हैं, 10 दिन में मेरे स्टार्ट हो जाएंगे 9th मंथ। और बता दूँ ना थकावट इतनी ज़्यादा हो रही है, मतलब कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा। वैसे तो काम में ज़्यादा नहीं करती हूँ, हस्बैंड भी थोड़ी बहुत हेल्प वगैरह कर ही दे रहे हैं मेरी, लेकिन जो भी और भी काम है ना उसे बिल्कुल भी मतलब निपटाने का मन नहीं करता है। मन करता है कि बस आराम से लेटे रहें, और पाँव में इतना ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। कल मैं गई थी मार्केट, वहाँ से ना मैं अपने लिए शर्ट वगैरह भी मतलब पिछली बार गई थी ना तो टी शर्ट लोवर ये सब मैंने ले लिया था और शर्ट वगैरह लिया, क्योंकि शर्ट होता है ना जो बच्चों को दूध दूध पिलाने में ना थोड़ा सा सही रहता है। तो बस मैंने 2 शर्ट ले लिए अच्छी अच्छी सी, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। तो बस मैंने एक बार धीरे से उसको ट्राई करके रख लिया क्योंकि फिर दोबारा मैं उसे ट्राई अभी तो नहीं करूँगी, बेबी होने के बाद ही। तो सारी जो हमारी शॉपिंग है ना ऑलमोस्ट बेबी होने की मतलब होने के बाद ही,
स्टार्ट हो गई हैं तो ऑलमोस्ट तो हो ही गई हैं, थोड़ी बहुत है। तो मम्मी जब आएंगी ना मेरी, अभी बस एक मंथ के बाद से मम्मी आने वाली हैं, उसके बाद से बाकी के शॉपिंग करेंगे। कैमरा यहाँ पता नहीं है, ये वाले बैग में ना मैं अपने सारे सामान रखूंगी, पहले से ही सारा इकट्ठा करके रख लूंगी, क्योंकि किसी को भी ना कोई भी प्रॉब्लम ना हो बाद में, आराम से जब भी जिसे सामान निकालना पड़े मैं नहीं भी निकाल पाऊँ तो फटाफट से लोग निकालना स्टार्ट कर दें। तो मैं सारी चीज़ें उसमें रख दूँ, आपको दिखाते हो अपनी शर्ट, बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे तो। हट के दिखाते हो, तो गाइज ये रही मेरी शर्ट प्यारी सी, फुल बाजू की नहीं है, एंकल लेंथ है, सही है बहुत ज़्यादा, मतलब ये ना एकदम कॉटन का है, इसमें ना गर्मी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगी, देख सकते हैं ना। ये वाला मैंने कलर लिया है, क्योंकि ना मैंने ये वाला कलर इसलिए लिया है ना, क्योंकि ना मेरे पास जो ब्लैक कलर का जो मेरे पास इसमें का जो पजामा है ना, मतलब जो पैंट है, तो ब्लैक है, तो इसमें ना ये आ जाएगी और अच्छी भी लगेगी, और पूरे बटन वाले हैं, क्योंकि मैंने ये लिया है, ये मेरे हस्बैंड जी का फेवरेट कलर है, इसलिए है। और सबसे प्यारा मुझे ये वाला लगा, ये मेरा फेवरेट कलर है, तो मैंने ये लिया है, तो ये भी ब्लैक पैंट पे आ जाएगी, तो दो ब्लैक पैंट है मेरे पास, उस पर आ जाएगी अच्छे से, ये देख सकते हैं ना कितनी ज़्यादा ये अच्छी लग रही है। तो ये सबसे अच्छा लगा मुझे, सॉरी ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, इसे रख देते हैं, पैक कर देते हैं। अब मेरी सारी शॉपिंग हो गई है, थोड़ी बहुत और करनी है, तो वो तो जो है ना वो हस्बैंड ही ले आएंगे। चलो तो गाइज चलिए चाय पीते हैं, चाय ठंडी हो जाएगी, सब्जी वगैरह कट करते हैं, तो फिर इस ब्लॉग को फिर यहीं पेंट करते हैं। कल का जो ब्लॉग है उसमें भी कंटिन्यू किया था मैंने, और आई होप कि आपको मेरी छोटी सी ब्लॉग आपको पसंद आई होगी, और आप सब समझ सकते हैं जो प्रेग्नेंट होता है ना उसमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स सहनी पड़ती है, मतलब कितनी ज़्यादा अकेले रहने में ना कितनी ज़्यादा परेशानियाँ आती है, तो इसकी वजह से ना मेरा ब्लॉग भी नहीं हो पा रहा है, सही से शूट नहीं हो पा रहा है। क्या होता है मैं सोचती हूँ कि ब्लॉग करूँ, ऐसा नहीं है मेरे से, और भी लोग बहुत प्रेग्नेंट है वो लोग भी तो ब्लॉग बनाते ही हैं, लेकिन मेरे से ना मेरे अंदर आलस बहुत ज़्यादा भरा हुआ है इसकी वजह से। तो जैसे जैसे दिन नज़दीक आएगा वैसे वैसे आपको अच्छी सी ब्लॉग्स देखने को मिलेगा, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। अच्छी लगी ब्लॉग तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।